रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत सोने की रिफाइनरी करने वाला चौथा बड़ा देश बन गया है। विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि WGC की हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत ने विश्व से सोने की कुल रिफाइनिंग का 6.5% या कहे 75 टन सोने की रिफाइनिंग की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 साल से भारत में सोने की कुल आपूर्ति में से 11% पुराने सोने से होती है, जो सोने की कीमत भविष्य में सोने के भाव की उम्मीद और व्यापक आर्थिक परिदृश्य से संचालित है। वहीं सोने की रिफाइनिंग इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव मौजूदा और भविष्य की उम्मीदों और आर्थिक स्थितियों के मुताबिक तय होती है। वहीं WGC की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब सोने की कीमत चढ़ती है तो लोग अपने सोने की बिक्री करते हैं, या तो वे कीमतों में बढ़ोतरी से लाभ उठाना चाहते हैं या सोने के नए आभूषणों पर खर्च करने से बचते हैं। वहीं मेटल फोकस फंड के शोध के मुताबिक जब सोने की कीमत बढ़ती है तब पुराने आभूषण बदलने वालों की संख्या बढ़ जाती है, और जब अर्थव्यवस्था पर दबाव होता है तो जैसे COVID-19 के दौरान देखा गया था कि रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सोना बेचा जाता था। वहीं संक्षेप में कहें तो जब सोने की कीमत में 1% की बढ़ोतरी होती है तो रिफाइनिंग 0.6% बढ़ जाता है। वहीं जब सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में वृद्धि इस साल और उसके पहले के साल में हुई तो रिफाइनिंग में 0.3% और 0.6% की कमी भी आई। वहीं बता दें कि WGC ने यह भी कहा कि इसके साथ ही अगर आभूषण की मांग 1% बढ़ती है तो इससे रिफाइनिंग 0.1% कम हो जाती है।